वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मथुरा से भाजपा सांसद और भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने कहा कि यह इस समय बहुत ही रोमांचक क्षण है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी आएगी और हम निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। मुझे मथुरा से भी बहुत अच्छी बढ़त मिल रही है, अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वह इस सीट से 48,110 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। नहीं, उम्मीद तो बहुत ही अच्छा ही है, वेरी गुड, इट विल हैपन। लेकिन जब गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है अभी इस वक्त, एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड अभी आगे देखेंगे, 1 बजे तक बहुत सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी बनेगी, बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है, वो सारा काम मैं ज़रूर करके जाऊँगी इस बार। अभी बहुत कुछ तोहफा प्लान करके रखा है, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एंड बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे लोग यहाँ इस बात पर।